अब जब 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 दिल की धड़कन के साथ अल्लाह ला मिल गई, वो तस्बीह काम काज करने लगा, गिर गई, सोने लगा, रखनी पड़ी। और ये तस्बीह 24 घंटे चलती रहती है, काम काज भी कर रहा है, सो भी रहा है, अल्लाह अल्लाह हो रही है। सुल्तान साहब हम आते हैं कि कुछ जागते हो सुते हो तो कुछ सुते हो जागते हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो सारी रात जाकर बात करते हैं लेकिन उनका शुमार सो हुए में, और कुछ लोग बिस्तरों से सो रहे हैं, उनके दिल अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। हजूर पाक फरमाते हैं हम सोते हैं, हमारे दिल नहीं सोते। फरमाते हैं हम सोते हैं, हमारे दिल नहीं सोते। तो जब कोई जिक्र कलम में चला जाता है, उस वक्त एक शायर ने कहा, गुनागार पहुंचे दरे पाक पर, जाहिद और पारसा देखते रह गए। भाई जाहिद और पारसा कैसे देखते रह गए और गुनागार कैसे दरे पाक पर पहुंच गए? जब जाहिद और पारसा ने कोई नेकी करी, किताब पे लिखी गई, अब वो जो नेकियां कर रहा है किताब पे लिखी जा रही हैं, लेकिन उसके दिल में तकब्बुर भी आ रहा है कि मैं नेकियां कर रहा हूं, और वो तकब्बुर दिल के ऊपर धब्बे लगाते जा रहा है। अब तक उसकी फाइल नेकियों से और नमाजों से भर गई, और दिल वो भी तकब्बुर से भर गया। जब दिल तकब्बुर से भर गया तो अल्लाह ताला कभी कभी अपने बंदों को देखता है, वो फाइलों को नहीं देखता, वो दिलों को देखता है। जब उसके दिल को देखा तकब्बुर से भरा पाया, अल्लाह ताला उससे बेजार हो गया, अल्लाह ताला उससे बेजार हो गया। जब अल्लाह ताला उससे बेजार हो गया तो उसकी नेकियां बर्बाद हो गई। एक हदीस ही में है कि जिसमें जरा भी कुफ्र और बुखल है वो जन्नत के काबिल नहीं। शैतान ने अगर मार खाई, वो भी बहुत बड़ा आबद था, नमाजी था, अगर मार खाई तो तकब्बुर से मार खाई। अब वो गुनहगार कैसे पहुंच गया तेरे पास? जब किसी गुनहगार ने गुनाह किया तो उसकी फाइल पे भी गुनाह लिखा गया, उसके दिल पे भी एक डब्बा लगाया गया। अब क्या हुआ कि उसकी फाइल भी गुनाहों से भर गई और उसका दिल भी गुनाहों से काला हो गया। उसने दिल को सफेद करने वाला एक नुस्खा सीख लिया। अदीसरी में कि हर चीज को साफ करने के लिए कोई ना कोई हथियार है, दिल को साफ करने के लिए जिक्र अल्लाह। उसने अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दी, अल्लाह अल्लाह करने से उसका दिल साफ हो गया। जब दिल साफ हो गया तो अल्लाह ताला ने भी कभी उसके दिल को देखा, जब दिल को देखा तो उसके ऊपर मेहरबान हो गया। जब मेहरबान हो गया और फाइल दरी की दरी रह गई, और जो लोग अल्लाह अल्लाह करते हैं वो सही भी हो जाते हैं। एक दफा ईसा अलैहिस्सलाम ने शैतान से पूछा कि तेरा बेहतरीन दोस्त कौन है? उसने कहा कि कंजूस आबद। कि वो किस तरह? कि उसकी इबादत को उसकी कंजूसी आएगा कर देती है। तो तेरा सबसे बड़े दुश्मन कौन है? उसने कहा गुनहगार सखी। कि वो कैसे? कि उसकी सिखावत उसके गुनाहों को जला देती है। तेरा शाही, मेरा शाही, दीन नबी का सच्चा भाई। वो पहला दर्जा मुसलमान का, ये दर्जा मोमन का। जब नस नस में नूर चला गया तो ये दर्जा मोमन का। इसके बाद फिर वलायत शुरू होती है। वलायत तू आसमानों से नहीं आती, वलायत तुम्हारे अंदर मौजूद है। जो भी बच्चे इस दुनिया में आया वलायत का राज लेके आया, हा काफिर का, हिंदू का, मुसलमान का, कि शायद काफिर भी मुसलमान हो जाए और ये राज सीख ले। और तारीख हुआ है कि काफिरों के बच्चे भी मुसलमान होके बड़े बड़े वली बन गए। तुम्हारे जिस्म में कुछ मखलूके हैं, सात मखलूके हैं, उनको लताहे बोलते हैं, नौ उनके खलीफे हैं, उनको जुस्से बोलते हैं, नौ जो सात सोलह मखलूके हैं इस तुम्हारे ढांचे में बंद हैं। अब वो तुम्हारे अंदर नसों के अंदर हैं,
جب تمہاری نسوں میں اللہ اللہ کا نور جانا شروع ہو گیا تو وہ جو اندر مخلوقیں ہیں ان کو غذا ملنا شروع ہو گئی، ان کی غذا اللہ کا نور ہے، جب ان کو غذا ملنا شروع ہو گئی تو وہ اندر بیدار ہوئی، جب بیدار ہوئی تو پھر انہوں نے بھی اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ تمہاری نشوں میں، نشوں کے ذریعے جو اندر مخلوقیں ہیں انہوں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ اب تم نے دیکھا ہوگا کہ خواب میں یہاں سوتے ہو، دوسرے شہر میں گھومتے ہو، تم نہیں ہوتے، لیکن تمہارے اندر کی کوئی چیز ہوتی ہے جس کا نام ہے لطیفہ نفس، اس کا تعلق جنوں سے ہے، وہ شیطانی محفلوں میں گھومتا رہتا ہے۔ اب تمہارے اندر جب وہ اللہ کا نور گیا تو وہ رحمانی طاقتیں بھی جاگ اٹھی۔ اب تم نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک کے روزے کے گرد منڈلا رہے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو، ولیوں کی درباروں کی طرف تمہارا رخ ہو گیا، وہ اس چیز ہے جو اندر جاگ اٹھی۔ 12 سال اندر اللہ اللہ ہوتی رہی، 12 سال میں وہ جو مخلوقیں ہیں وہ بالکل جوان ہو گئی، بالغ ہو گئی، اللہ کے نور سے بالکل بالغ ہو گئی۔ جب وہ بالغ ہو گئی تو اب سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم نے سوچا، دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں، تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکل کر حضور پاک کے قدموں میں۔ بلے شاہ فرماتے ہیں لوکی پن ویلے عاشق ہر ویلے، لوکی مسیتی عاشق قدم، کہ جو لوگ 5 وقت رب کو یاد کرتے ہیں ان کی انتہا مسجد ہے، با جماعت ہو جائیں گے اور کیا کریں گے، لیکن جو لوگ اس کے ساتھ اور اللہ اللہ بھی کرتے ہیں وہ حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں گے، قدموں میں پہنچ گئے نوازے تو گئے۔ اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، تم نے سوچا وہ چیزیں اوپر پرواز کر گئی، فرشتوں نے روکا نہیں، رکی، کہنے لگے جو تشبیہ بیت المعمور سے آگے جل جائے گا وہاں تو فرشتے بھی نہیں جا سکتے، اور وہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی گئی، وہاں پہنچ گئی جہاں رب کی ذات ہے۔ زہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں میں ذریعہ ولی وہاں پہنچتے ہیں، اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ واقعی انسان اصل مخلوقات ہے، ہم بیت المعمور سے آگے نہیں جا سکتے، یہ وہاں سے بھی ہو کر آ گیا جہاں رب کی ذات ہے۔